नागौर से अजमेर आई 108 एम्बुलेंस रास्ते में हुई दुर्घटनाग्रस्त। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। थावला नागौर से अजमेर जेएलएन अस्पताल में नवजात शिशु को लेकर आई एम्बुलेंस 108 वापस जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी देते हुए एम्बुलेंस के ड्राइवर राजू राम ने बताया कि वे 20 से 30 की स्पीड पर एम्बुलेंस चला रहे थे। अचानक रास्ते में एम्बुलेंस की कैंची की बॉल टूटने की वजह से एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्पीड कम होने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। इस दुर्घटना के लिए उन्होंने सरकार और कंपनी दोनों को ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हाँ सर बताइए, जो 108 है आप कहाँ से मरीज लेकर आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और क्या घटना हुई? हम थावड़ा नागौर थावड़ा से लेके अजमेर आ रहे सर, जेलन। हाँ। एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी रेपर हुआ था। हाँ। उसको छोड़ के वापस आ रहे थे, तभी यहाँ अपनी कैंची की बॉल टूट गई सोकर के। छोड़ कर आने के बाद? हाँ, वापस छोड़ के वापस जा रहे थे थावड़ा। अच्छा, नागौर, तब ये हादसा हो गया सर। तो हम आराम से चला रहे थे, 20-30 की स्पीड में हुआ। अगर ये ज्यादा स्पीड होती तो हमारे को नुकसान होता बहुत। आप इसमें किन की गलती मानते हैं? कुछ सरकार है क्या, कुछ या प्रशासन? सरकार तो इस पे ध्यान देती नहीं है, कंपनी वाले काम करवाते नहीं है, ये बात है सर। आपका नाम? मेरा नाम राजू राम।